चलिए आपको सीधे लेके चलते हैं जहां पर अभिनंदन के स्वागत के लिए सबकी निगाहें हैं और वतन वापसी होते हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अभिनंदन की वतन वापसी, और सबको इंतजार था और वही अभिनंदन आते हुए आप देखिए वाघा बॉर्डर से आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, आप देख सकते हैं सैनिकों के साथ किस तरीके से हमारा जाबाज वायु वीर लौटता हुआ वतन वापसी करता हुआ, और तस्वीरें आप देख सकते हैं काफी लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था और इंतजार की घड़ी खत्म हुई, और तस्वीरें देखिए आप शौर्य वीर पुत्र वतन वापसी करते हुए और चेहरे पर वही मुस्कुराहट। तो काफी लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था, इंतजार खत्म हो गया है, हार्दिक अभिनंदन स्वदेश लौटे हैं अभिनंदन, आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ललित नारायण कांठपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, क्या कुछ जानकारी तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं एक मुस्कुराहट के साथ वतन वापसी करते हुए? जी बिल्कुल, वतन वापसी उनकी होने वाली है और अब से यहाँ पर हलचल बढ़ गई है वाघा बॉर्डर पर, और बताया जा रहा है कि अब तक कुछ ही देर में जो है वो यहाँ पर वापस भारत आ सकते हैं। और चूंकि उनको ये जो वाघा बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर से तकरीबन कोई 5 किलोमीटर दूर है बाटापुर आर्मी एरिया है, वहाँ पर रखा गया था, और वहाँ पर रखे जाने के बाद जो है अब यहाँ पर तेजी से हलचल बढ़ गई है और किसी भी वक्त जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं ऐसा बताया जा रहा है। और यहाँ पर पुलिस भी एक बार फिर से चौकस हो गई है, और अब आपके टीवी स्क्रीन पर किसी भी वक्त जो है बिल्कुल ललित आपसे तमाम अपडेट्स भी लेते रहेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देश भर में जश्न है, खुशी का माहौल है, और बस अब कुछ पल का इंतजार और ये दरवाजे खुलेंगे और वतन वापसी करते हुए हमारे वीर शौर्य पुत्र जो है अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन है, स्वदेश लौटे हैं अभिनंदन, और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों के जरिए देखिए इंतजार की घड़ी खत्म होती हुई, एक एक सेकंड जो है वो काटना मुश्किल है हर एक हिंदुस्तानी के लिए, सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और वो घड़ी आ गई है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुजीत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुजीत जी क्या कुछ जानकारी जिस तरीके से हम तस्वीरों में अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, पल पल का इंतजार अब खत्म होता हुआ? देखिए अब अंतिम चरण में है जो है अभिनंदन को भारत वापसी का, बिल्कुल अब वो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, जो भी कागजात थे उनकी वापसी से जुड़े कागजात वो सारे कागजात के अब निरीक्षण हो रहे हैं, और लंबे इंतजार के बाद अब उनको वतन वापसी हो रही है, और सुबह से ही ये चर्चाएं थी कि दोपहर तक उनको पाकिस्तान की ओर से छोड़ दिया जाएगा, लेकिन कागजी कार्रवाई कहें या फिर पाकिस्तान की जिस तरह की गतिविधियां रही हैं डिले की, उसको लेकर उनकी एक अपनी रणनीति जो भी रही हो, क्योंकि माना जा रहा था कि किसी भी तरह से उनको दोपहर बाद तक छोड़ा जा सकता है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि रात के 9:15 से ज़्यादा बज चुके हैं, और उसके बाद अब उनकी रिहाई हो रही है वहाँ से, और अब वो भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले हैं, और आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर कि किस तरह से वहाँ पर अभिनंदन खड़े हैं, और बस इंतजार है कि वो उनका पहला कदम कितनी कब भारत की सीमा पर पड़ता है और भारत की भूमि पर वो अपना पहला कदम कब रखेंगे, क्योंकि जिस तरीके के हालात वहाँ उनको सामना करना पड़ा होगा वो आप सब समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में जब से वो अपने फाइटर प्लेन से वहाँ की ज़मीन पर उतरे थे उसके बाद से अब तक का समय उनके लिए कितना पीड़ादायक रहा होगा आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, और अब देख रहे हैं कि कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते पाकिस्तान को जो है विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करना पड़ रहा है, और अब इंतजार है इस बात का कि वो पहला कदम भारत की सीमा में कितनी
कितने पल में रखेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी भी वो जो है पाकिस्तान की सीमा में है, और जो भी कागजात थे वो कागज अभी देखे जा रहे हैं, और कागज पूरे देखने के बाद ही, उसके निरीक्षण के बाद ही उनकी वापसी जो है होगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि उनका चेहरा किस तरीके से, उनके साथ जिस तरीके का हादसा हुआ था उसकी वजह से आप उनके चेहरे पर देख सकते हैं कि चोट के निशान भी दिख रहे हैं, और लेकिन फिर भी जो उनके चेहरे पर मुस्कान और वतन वापसी का एक गर्व है, और जो उन्होंने पाकिस्तान के फाइटर प्लेन को गिराया था, मार गिराया, उसको लेकर भी उनको बड़ा गर्व है। और आप देखिए पूरा सीना तान कर वो अभी भी खड़े हुए हैं, और एक फाइटर पायलट होने के नाते जो एक रौनक होनी चाहिए चेहरे पर और जुनून जो होना चाहिए वो पूरा देखने को मिल रहा है। और भले ही उनको पाकिस्तान में तमाम यातनाएं दी गई, लेकिन फिर भी वो जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी जो है तन कर खड़े हैं, और अब देख चल पड़े हैं वो, और उनके कदम बढ़ रहे हैं अब, और देखना होगा कि कितनी जल्दी जो है भारत की सीमा में उनके कदम पड़ते हैं। बिल्कुल, काफी लंबा इंतजार था, लेकिन अभिनंदन के हौसले से पाकिस्तान पस्त है, ये कहना गलत नहीं होगा। देखिए बिल्कुल, पाकिस्तान पर लगातार जो भी भारत का कूटनीतिक दबाव जो अंतर्राष्ट्रीय जगत की ओर से था वो काफी ज्यादा था, और पाकिस्तान के पास अभिनंदन को रिहा करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था पाकिस्तान के पास कि उनको वो रिहा करने से रोक सके, क्योंकि जो जिनेवा कन्वेंशन है उसका पाकिस्तान की ओर से लगातार उल्लंघन हुआ, और जिस तरीके से उनका वीडियो जारी किया गया, उनके साथ जो व्यवहार वहां पर किया गया उसका वीडियो भी जारी किया गया, तो ये वीडियो और फोटो जो जारी किए वो नहीं होने चाहिए थी। और इस तरीके से अब वो भारतीय सीमा की ओर आप देख रहे हैं कि वो बढ़ गए हैं उनके कदम, और वो स्वदेश जो है लौटे जो है अभिनंदन भारतीय सीमा में उनके प्रवेश हो गया है, और लंबे इंतजार के बाद अब वो भारत की जमीन पर हैं। अब इस समय अभी तक यही इंतजार सबको बिल्कुल था बिल्कुल आपको रोकना चाहूंगी, और अपने दर्शकों को भी हम दिखाना चाह रहे हैं तस्वीरों के जरिए, आप देखिए स्वदेश लौट चुके हैं अभिनंदन, काफी लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था और सारी कार्यवाही पूरी हो गई है और भारत की तरफ कदम बढ़ा लिया है अभिनंदन ने, और बिल्कुल पूरे गर्व के साथ जो तेज उनके चेहरे पर झलक रहा था वो देखते ही बन रहा था, और स्वदेश लौटे हैं अभिनंदन, जिनका हार्दिक अभिनंदन पूरा देश कर रहा है, पूरा देश जश्न मना रहा है।